हेलो एवरीवन, स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज होममेड कुरकुरे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इजी रेसिपी है लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चों को कुरकुरे बहुत ही पसंद आते हैं, लेकिन जो मार्केट वाले कुरकुरे हैं, जब वो उसे खाते हैं तो हमें लगता है कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसमें क्या चीजें पड़ी हैं और वो आपकी हेल्थ को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है, ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। तो ऐसे में हम घर पर ही बच्चों को कुरकुरे बनाकर दे सकते हैं। इसमें हमें पता होता है कि हमने क्या डाला है और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना MSG के हम बहुत ही बढ़िया कुरकुरे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे बना लेते हैं। होममेड कुरकुरे बनाने के लिए हम चावल का आटा ले रहे हैं। 1 कप चावल का आटा है, इसमें डालेंगे 1/4 कप बेसन। किसी भी कप या कटोरी को आप मेजरमेंट के लिए यूज करें, उसी से सबका मेजरमेंट कर लें। मैंने मेजरिंग कप का यूज किया है। और 2 टेबलस्पून इसमें मैदा मैं डाल रही हूं। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, इसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, और 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक आप स्वादानुसार भी ले सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि हम बाद में भी इसमें नमक ऐड करने वाले हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखकर ही आप नमक डालें। 1/2 छोटा चम्मच नमक डाला है। अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी। तो जिस कप से आपने चावल का आटा, बेसन इनका मेजरमेंट किया है, उसी कप से आप इसमें 2 कप पानी डालें। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका स्मूथ बैटर हमें बनाना है। ये देखिए, इस तरह का बैटर हमें बनाना है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब इस बैटर को हम डालेंगे किसी कढ़ाई या पैन में डाल लेते हैं। और अब इसे हमें पकाना है, तो इसे हम गैस पर चढ़ा देते हैं। इसे हमें लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाना है। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे चिपक सकता है। बैटर गाढ़ा होने लगा है, ये देखिए काफी गाढ़ा हो गया है पहले से। इसको ध्यान से हमें लगातार इस तरह से चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। बैटर अब पहले से काफी गाढ़ा हो गया है और थोड़ा इकट्ठा सा होने लगा है। इस तरह से देखिए, इकट्ठा सा होने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के करीब बटर में डाल रही हूं। आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं। इसे भी मिक्स कर देंगे इसमें और लगातार चलाते हुए अभी इसे और पकाएंगे। और ये देखिए, अब बैटर जो है बहुत गाढ़ा हो गया है, डो का शेप लेने लगा है। ये इस तरह से हो गया है। बस इससे ज्यादा इसे नहीं पकाना है, गैस को हम बंद कर देंगे। इसमें जो है, इस बैटर को पकाने में ही जो मेहनत लगती है वही मेहनत है। और इसको बनाने के लिए आप अगर नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने नॉनस्टिक यूज की है और उसके बावजूद भी देखिए थोड़ा सा चिपकता है, तो नॉनस्टिक यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम इसको ढक देंगे और ढककर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसे ढक देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट बाद अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। डो ठंडा हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। पहले मैं 1 टेबलस्पून के करीब ही इसमें डाल रही हूं और इसे मिक्स करते हुए हम इसे गूंथ कर तैयार करेंगे। अगर आवश्यकता और लगेगी तो और कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर डालकर इस तरह का हमने इसका डो तैयार कर लिया है, मसल मसल कर। इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने पहले डाला था और 2 टेबलस्पून के करीब बाद में डाला है, तो टोटल 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसमें डाला है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इस तरह का डो इसका तैयार हो जाना चाहिए। अब हम इसके कुरकुरे बनाएंगे। तो कुरकुरे बनाने के लिए
थोड़ा सा ये डो हाथ में हल्का हल्का चिपकता है तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप या तो हाथों को ऑयल से हल्का सा चिकना कर लें, या अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो इसी तरह से भी बना सकते हैं। देखिए हल्का सा ये चिपकता है, इस तरह से लेंगे, इस तरह करेंगे तो इजीली इसकी बॉल बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हम इसे निकालते हैं डो को तो ये थोड़ा सा चिपकता है, इस तरह से करें। और छोटी सी बॉल बनाने के बाद उंगलियों की हेल्प से इस तरह से इसे, क्योंकि कुरकुरे का कोई पर्टिकुलर साइज तो होता नहीं है, इस तरह के होते हैं वो, उंगलियों से इस तरह से इसमें डिजाइन डालते हुए कुरकुरे बना लेंगे अलग अलग शेप और साइज में। अगर आपके हाथ में ज्यादा चिपके तो आप थोड़ा सा ऑयल से हाथ को चिकना कर सकते हैं, या थोड़ा सा चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर हाथ में इस तरह से लगाकर इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। इस तरह से हम सारे जो कुरकुरे हैं ये बना लेते हैं। ये थोड़े से कुरकुरे हमने बना लिए हैं, अब इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है, ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए और फ्लेम को भी मीडियम कर देंगे। अब इसमें आराम से एक एक करके ये कुरकुरे हम डालेंगे। और अब इसको हल्के हाथ से इस तरह से चलाएंगे और सभी तरफ से अच्छी तरह से इसको इस तरह से चलाकर गोल्डन होने तक इसको हमें फ्राई करना है। कुरकुरे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। और इसी तरह बाकी के कुरकुरे भी हम फ्राई कर लेते हैं। कुरकुरे हमारे बनकर तैयार हैं, इसे एक बोल में लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाने वाले हैं। मसाले आप अपनी पसंद से मिला सकते हैं, अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। आप इसमें गार्लिक पाउडर, टमाटो पाउडर, ओनियन पाउडर, ये सब अगर आपके पास है तो वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये चीजें हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती तो मैं इसमें कुछ ऐसे मसाले बताऊंगी जो कि इजीली घर में अवेलेबल होते हैं और हर किसी के पास होंगे, तो इस तरह के मसाले डालते हैं हम इसमें। तो इसके लिए मैं डाल रही हूं 1/4 छोटे चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। इसे थोड़ा सा चटपटा बना रही हूं तो 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर इसमें डाल रही हूं। नमक हमने कुरकुरे बनाते समय भी डाला था तो इस समय सिर्फ 1/4 छोटा चम्मच ही मैं नमक इसमें डाल रही हूं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी डाल रही हूं, इससे इसका जो खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है वो आएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। सभी मसालों को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को कुरकुरे पर अच्छी तरह से कोट कर लिया है, देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे कुरकुरे ये लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।